हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लद्दाख में गोगरा और हॉट स्प्रिंग के पास चीन की फोर्सेस फिर से कर रही है अपनी पोजीशन को रिकैलिब्रेट। अगले सप्ताह तक 4 और एफएल फाइटर्स पहुंच जाएंगे भारत। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी का कहना है कि फिलिस्तीन सिचुएशन का फायदा उठाकर कश्मीर में किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा किसी भी तरह का वायलेंस। अलग अलग कंट्रीज से जियोलाइट को इम्पोर्ट करने के लिए डीआरडीओ ले रही है एयर इंडिया की मदद, और चीन ने सफलतापूर्वक पहली बार मार्स में लैंड किया अपना स्पेसक्राफ्ट। लद्दाख से कुछ लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जिससे ये मालूम पड़ रहा है कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पास चीन के ग्राउंड फोर्सेस ने अपनी कुछ पोजीशंस को फिर से रिकैलिब्रेट कर लिया है। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट में भी इन सैटेलाइट इमेजेस का एनालिसिस किया गया है, और जिससे कन्फर्म होता है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इन क्षेत्रों पर कुछ माइनर सी एडजस्टमेंट करी है। हालांकि कुछ फॉरवर्ड पोजीशंस पर चाइनीज आर्मी की जो स्ट्रेंथ है उसमें कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन चीन की जो बैकवर्ड पोजीशंस हैं वहां पे उनकी फोर्सेस अपने नए अकोमोडेशंस और बंकर्स के साथ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कुछ इमेजेस पेंगोंगशू के पास रोहतांग से भी आई हैं, जो ये दर्शा रही है कि चीन के डिसएंगेज ट्रूप्स अभी भी लगातार अपनी तैयारियों के साथ पूरी तरीके से जमे हुए हैं कि अगर चीन के टेरिटोरियल क्लेम्स की तरफ उनको कोई खतरा बनता है भारत की तरफ से तो वे उसके लिए प्रिपेयर रहें। और पूर्वी लद्दाख में पेंगोंगशू के नॉर्थ और साउथ पर से सफलतापूर्वक डिसएंगेजमेंट हो जाने के बावजूद भी चीन ने रोहतांग वाले एरिया के पास अपनी ट्रूप्स की स्ट्रेंथ को रिलोकेट किया है, और जबकि यहाँ पे कुछ मिलिट्री बैरक के निर्माण कार्य भी देखा गया है। और इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर फिलहाल कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। अगले सप्ताह 4 एफएल फाइटर्स का एक और बैच अम्बाला एयरबेस में लैंड करेगा, और ये 4 फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स के हाजीमारा एयरबेस पर रफेल फाइटर्स की दूसरी स्क्वाड्रन में इस्तेमाल होंगे। और जबकि इस एयरबेस पर रफेल फाइटर्स के स्क्वाड्रन को स्थापित करने के लिए एडवांस यूनिट्स ऑलरेडी इस बेस पर मूव करा दी गई हैं, और इस स्क्वाड्रन का नाम होने वाला है 101 फैल्कन्स ऑफ द चैंप। और इसका मतलब ये भी है कि अगले सप्ताह तक इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 24 रफेल फाइटर्स हो जाएंगे, और जो 36 रफेल फाइटर्स की डील है उसमें से 7 रफेल फाइटर्स फिलहाल फ्रांस में ही रहेंगे ट्रेनिंग पर्पस के लिए, और 2 स्क्वाड्रन के कम्प्लीट होने से पहले 5 और रफेल फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। और जिस रफ्तार के साथ ये रफेल फाइटर्स डिलीवर हो रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि अप्रैल 2022 से पहले ही इन सारे रफेल फाइटर्स की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। और जो हाजीमारा एयरबेस है वो टोटली रिवैम्प हो चुका है, और इस महीने के अंत तक ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि ये फाइटर्स की एक पीस टाइम लोकेशन होगी, और जबकि वॉर टाइम कंडीशंस में युद्ध की योजनाओं के अनुसार ये फाइटर्स देश के किसी भी हिस्से से ऑपरेट किए जा सकते हैं। और एयरफोर्स ऑफिशियल के मुताबिक इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस क्षेत्र में ये रफेल का पैकेज एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि भारत की ऐसी कोई भी एडवर्सरी नहीं है जिसके पास इस तरह की कैपेबिलिटी वाले फाइटर्स हों। और जो अभी कुछ समय पहले ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडियन एयरफोर्स 36 और रफेल फाइटर्स को खरीदने पर विचार कर सकती है, अब जो ये विचार है ये रियलिटी में बदलेगा या नहीं ये तो पहले वाले 36 रफेल फाइटर्स डील के कम्प्लीट होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विजय कुमार का कहना है कि उन एलिमेंट्स पर करीब से नजर रखी जा रही है जो फिलिस्तीन की सिचुएशन का फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर की शांति और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकते हैं। और उनका कहना था कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस की ही जिम्मेदारी है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। उनका ये भी कहना था कि हमारे देश में आप किसी भी चीज पर ओपिनियन देने के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस ओपिनियन के नाम पर आप कानून का उल्लंघन करके हिंसा करने की कोशिश करें और क्षेत्र की शांति को भंग करें और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को भी तोड़ें। और इसलिए उनका ये भी कहना था कि सभी इररिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया कमेंट्स जिनकी वजह से एक्चुअल वायलेंस के परिणाम हो सकते हैं उन सभी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। वैसे अभी हाल ही में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद चल रहा है इसको लेकर कश्मीर घाटी के कुछ अलग अलग हिस्सों पर एंटी इसराइल प्रोटेस्ट देखने को भी मिले हैं, और कई ऐसे पोस्टर्स देखे गए हैं जिनमें इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने को लेकर आग्रह किया गया है। बाकी एक रिपोर्ट ये भी है कि शुक्रवार की शाम को श्रीनगर के सराफ कदल एरिया में स्थित सीआरपीएफ कैंप पर कुछ अननोन पर्सन द्वारा पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया गया था, और इस कैंप में सीआरपीएफ की 23 बटालियन थी। हालांकि अच्छी बात यह कि इस घटना में किसी भी तरह की इंजरी नहीं हुई है, और हमला करने वाले मास्क पहनकर आए थे। बाकी घटना के बाद इस एरिया में जो सिचुएशन थी उसे अंडर कंट्रोल कर लिया गया था। इसके अलावा हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि आप सभी की सबसे ज्यादा पसंदीदा फ्रंट लाइन ई मैगजीन का नया एडिशन यानी कि अप्रैल महीने का एडिशन भी लॉन्च हो चुका है, और हमेशा की तरह जो पहले 1000 बायर्स इसको खरीदेंगे उन्हें ये ई मैगजीन केवल 11 रुपए में मिलेगी। तो अगर आप इस ई मैगजीन को परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर बाय कर सकते हैं। चाइनीज वायरस पैंडेमिक सिचुएशन के बीच देश में ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए डीआरडीओ ने अलग अलग देशों से जियोलाइट को इंपोर्ट करने के लिए नेशनल कैरियर एयर इंडिया की मदद ली है, और जिसके तहत
एयर इंडिया की फ्लाइट दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जियोलाइट को इंपोर्ट करने की प्रोसेस में है और इस जियोलाइट का इस्तेमाल होगा प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स में ताकि देश में ऑक्सीजन की सप्लाईज को बढ़ावा दिया जा सके। जिन्हें नहीं पता है उन्होंने बताते कि जियोलाइट एक ऐसा मिनरल है जिसमें मुख्य रूप से एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं और इसका इस्तेमाल ड्राइंग एजेंट्स, डिटर्जेंट, वाटर और एयर प्यूरिफायर्स के तौर पर किया जाता है और भारत में भी इसी जियोलाइट पर आधारित एक बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि मेडिकल ग्रेड के ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं और इस सिस्टम में ये जियोलाइट एक प्योरीफाइड ऑक्सीजन को क्रिएट करने में मदद करता है जिसमें नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके हाईली अमाउंट में प्योरीफाइड ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है और इस जियोलाइट को इम्पोर्ट करने के लिए 15 मई और 18 मई दो अलग अलग दिनों में कई अलग अलग फ्लाइट्स को शेड्यूल किया गया है। बाकी अगर चाइनीज वायरस की बात हो ही रही है तो उनकी भी बात कर लेते हैं जहां से वायरस आया है। तो हुआ यह है कि चीन ने मार्स में सफलतापूर्वक अपने अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट लैंड करा के एक नए माइलस्टोन को हासिल कर लिया है और ये पहली बार है जब मार्स में चीन का स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है तियानवेन 1 और इसके साथ जो रोवर भेजा गया है उसका नाम है जुरोंग जो कि मार्स में लैंडिंग साइट का सर्वे करेगा। और जहां तक ये सवाल है कि इसरो अपना रोवर और लैंडर मार्स पर कब भेजेगी तो इसरो का जो दूसरा मार्स मिशन है वो 2024 के लिए प्लान किया गया है। शनिवार को असम में स्थित प्रतिबंधित उल्फा संगठन ने राज्य में उभरते हुए चाइनीज वायरस की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए 3 महीने के लिए एक तरफा तरीके से सीज फायर की घोषणा की है और उल्फा के कमांडर इन चीफ परेश बुरवा ने मीडिया को एक ईमेल के जरिए बताया कि इस चाइनीज वायरस सिचुएशन की वजह से सीज फायर को तत्काल प्रभाव के साथ लागू किया जाएगा और उनका संगठन 3 महीने के टाइम पीरियड के लिए किसी भी तरह के ऑपरेशन से दूर रहेगा। और उल्फा कमांडर का ये फैसला खास करके तब आया है जब अभी कुछ दिनों पहले असम के मुख्यमंत्री ने परेश बुरवा से आग्रह किया था कि वे आगे आकर शांति वार्ता करें और असम के मुख्यमंत्री का ये भी कहना था कि किडनैपिंग या फिर लोगों को मारने से उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी बल्कि और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बाकी अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन जरूर करें। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।